नमस्कार, आज मैं मूंग दाल का पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मूंग दाल को लेकर के और इसे हम 2 घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे। ये पानी में भिगोया हुआ मूंग दाल है, देखिए कितना बढ़िया तरह से फूल गया है। और इसे हम पानी से निकाल लिए हैं। अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। मिक्सी के जार में डालने के बाद बिना पानी डाले हुए ही इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। इस तरह से इसे हम दरदरा पीस लिए हैं। अब इसे हम एक बॉल में डाल देते हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1 पिंच हींग, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है उसे हम इस तरह से दरदरा कूट लिए हैं उसे डाल देते हैं। 1 प्याज उसे बहुत बारीक काटे हैं उसे भी डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच धनिया है, ये साबुत धनिया है, इसे थोड़ा दरदरा कर लिए हैं उसे डाल देते हैं। इससे पकौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और 2 बड़ा चम्मच बेसन, बेसन की जगह आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। नमक, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती है उसे हम बहुत बारीक काट लिए हैं उसे डाल देते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर को डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से पहले मिला लेते हैं। इधर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम हाथ से छोटा छोटा निकाल करके आप अपने अनुसार छोटा बड़ा भी बना सकते हैं और इस तरह से पकौड़ी का साइज का इसमें हम डालते जाते हैं। डालने के बाद अब गैस का फ्लेम को मीडियम पे कर दिए हैं जिससे अच्छी तरह से अंदर भी पक जाए, और इसे थोड़ा पहले हिला देते हैं। जो जो नीचे सिक चुका है उसे पलटते भी जा रहे हैं। एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है, अब इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। चारों तरफ से अच्छी तरह से तला गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।